हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर जुलाई के महीने में सेम की खेती किस प्रकार से की जाती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। सेम की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए और उसके बाद में आपको अच्छी से अच्छी कंपनी का सेम का सीड्स लेकर आना चाहिए और उसको अपने खेत के अंदर जुलाई के महीने के अंदर एक जगह पर दो तीन सीड्स लगाने चाहिए, जिसके बाद में आप देखेंगे कि जुलाई में लगाई हुई सेम के पौधों पर दिसंबर से इसके अंदर फलियां आना स्टार्ट हो जाएंगी और दिसंबर से आप इन्हें मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे इस पौधे के ऊपर सेम की फलियां लगी हुई है पूरे पौधे के ऊपर, बहुत ही ज़बरदस्त। और मार्केट प्राइस की बात करें तो दिसंबर के महीने के अंदर 55 से 60 रुपए किलो की मार्केट प्राइस देखने को मिलते हैं। रोगों की बात करें तो इसके अंदर एक तो फंगस का प्रकोप देखने को मिलता है, जिससे कि ये पत्ते हैं जो पीले पड़ने लगते हैं और फंगस का बहुत ही अधिक अटैक हो जाता है। और दूसरा, इस पौधों के अंदर सुंडी का प्रकोप भी देखने को मिलता है, जिससे कि सुंडियाँ हमारे इन फलियों को ख़राब करने लगती हैं, खाने लगती है। तो इसके लिए आप सुंडी से बचाने के लिए इसके अंदर आप नीम ऑयल का स्प्रे करें या फिर मार्केट से किसी प्रकार का कीटनाशक आप अपने क्षेत्र के अनुसार लेकर आएँ और उनका छिड़काव करें। फंगस के लिए फंगिसाइड का आप स्प्रे समय समय से इन पौधों के ऊपर करते रहें। और दूसरा, पानी की बात करें तो बरसात के दिनों के अंदर तो इन पौधों के अंदर पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब बाद में बरसात बंद हो जाती है तो उसके बाद में आप 15 से 20 दिन के अंतराल से मिट्टी की नमी के अनुसार इन पौधों के अंदर पानी लगाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने इन पौधों से हार्वेस्टिंग भी की है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कितनी सारी फलियां हमारे पौधे के ऊपर लगी हुई है। यह एक बेल वाली फसल है, जिससे बहुत अधिक डिमांड मार्केट में सब्जियों के रूप में देखने को मिलती है। तो आप इन पौधों की लगाकर सेम की खेती कर सकते हैं।